अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो बहुत ज़्यादा मुझ पर रिक्वेस्ट थी कि मैं इसके ऊपर बात करूं, अपना करंट वेट किस तरह मैंने मेंटेन किया। और काफ़ी सारे लोगों को शायद मैं कम लगी होंगी मेरे इंस्टाग्राम में, दैट्स वाई उन्होंने मुझसे बोला कि आप प्लीज़ अगेन वीडियो बनाएं वेट के ऊपर। तो मैंने कहा एक दावतें भी चल रही होंगी आप लोगों की बरकरार की, तो मैंने कहा बस बनाओ, मोटिवेट करो अपने आप को, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कराची में, कोई काम करने का दिल नहीं जा रहा था मेरा। तो मैंने कहा बस अब मैं इस पे वीडियो बनाऊँ एक खास आप लोगों के लिए, और आप लोग आप अपने दावतों को इंजॉय कर सकते हो अपने वेट ना बढ़ते हुए। मैंने किस तरह किया मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने दावतें भी अटेंड की हैं, मैंने चीटिंग भी की, लेकिन मैंने बहुत अच्छी चीटिंग करी जिससे मेरा वजन नहीं बढ़ा ईद पर। इस बार मतलब मीठी ईद पे मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं टूर पे चली गई थी। जब मैं टूर पे गई, जाहिर है वहां तो आपका डाइट फूड होता ही नहीं है, तो वहां पे मैंने होप नान चान खाए, और कुछ मुझे ब्रेक भी चाहिए था डाइट से, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है ये इंजॉय करते हैं। तो उस वक्त मेरा वेट पुट ऑन हो गया था 3 kg। तो चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ आपको मैं शेयर करूंगी कि जब कभी आपका वजन बढ़ रहा हो 2 से 3 kg, 3 से 4 नहीं करना है आपने, 4 से 5 नहीं करना। जैसे आपको लग रहा है आपको 2-3 kg बढ़ गया है, वापस उसको कम करें, तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगती है वेट को वापस कम करने में। अगर आप छोड़ देंगे और 5, 6, 10, 15 kg बढ़ गया आपका, उफ, उसको वापस से जगह पे लाना आसान नहीं है। अब आपने किस तरह एंजॉय करना है अपनी इन दावतों को, जो बारबेक्यू की दावत है। और अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि इतना ज्यादा गोश्त खाया जिसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज काफी सारे लोग हो गए। तो क्यों क्यों हम अपनी हेल्थ के दुश्मन बन गए? बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों ने इस तरह, क्योंकि खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ स्टाइल में। हमारा खाना अगर अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तो हम बीमार होंगे, हम सुस्त होंगे, हमारा वेट पुट ऑन होगा, हमें शुगर होगी, हमें ब्लड प्रेशर होगा, हमें फला बीमारी। ये बीमारी आपको खाने से ही लगती है और किसी चीज़ से नहीं लगती। हमारा अगर अनहेल्दी हम फूड लेना शुरू कर दें, हम अनहेल्दी ड्रिंक्स लेना शुरू कर दें, हमें बीमारी लगना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है। तो आपने बिल्कुल भी अपने आप को इस तरह नहीं करना है। अब ऑफकोर्स गर्मी है तो आप लोग कहोगे कि शरबत पीना है, ग्रीन शरबत, लाल शरबत, फला शरबत, डिमका शरबत, ड्रिंक्स का इतना ज्यादा रेशो बढ़ गया, जिसकी वजह से अभी मेरे सामने फिर एक वीडियो आई कि उनकी किडनी फेल हो गई है और ये हो गया ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से। तो कोल्ड ड्रिंक तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है ही नहीं। अब आप बोलोगे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, जो लोग पीते हैं जिनको क्रेविंग है, प्लीज इस क्रेविंग को खत्म करें। मैं कितना भी पार्टीज में चली जाऊँ, कुछ भी चली जाऊँ, मैं ड्रिंक्स नहीं लेती। मैंने अपनी लाइफ से ड्रिंक को बिल्कुल माइनस कर दिया। वो मुझे जब से मैंने पढ़ा है ना इसके बारे में, तब से मैंने छोड़ ही दिया कि ये इतनी अनहेल्दी है, आपको देता है लाइफ, आपको शुगर कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा फैट दे देता है। तो क्या ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा, क्योंकि एक ग्लास में आपको पता है जब हम एक ड्रिंक पीते हैं तो मनी 12 से 13 tablespoons समथिंग उसमें शुगर होती है। मतलब इतनी ज्यादा, एक पाव तो हो ही चुकी होगी टेबलस्पून अगर हम करें तो, वो हम अपनी बॉडी में दे रहे हैं। तो कहाँ से इस चीज को हम वो कर सकते हैं, मतलब इस चीज को अच्छा कह सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप दिल चाह रहे हैं तो आपने इतनी भी लेनी है, मैं तो हर एक सिप ले ली थी, दैट्स इट। लेकिन वो भी रोज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे दावत हुई तो एक सिप ले लिया जस्ट अपने क्रेविंग दूर करने के लिए, क्योंकि हम दूर नहीं करेंगे ना क्रेविंग को तो हमें बहुत ज्यादा वो होना शुरू हो जाएगा, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो वो भी नहीं करना हमें क्रेविंग को दूर करते हुए एक सिप ले लेना है, ठीक है, ताकि हमारी क्रेविंग दूर हो जाए, या आधा, इतना इससे ज्यादा नहीं लेना आपने। ये जब तक करेंगे नहीं तब तक आप हेल्दी नहीं होंगे। हेल्दी रहना है, और आपको पता है कि फूड ही आपकी स्किन को अच्छा रखता है, फूड ही आपको बहुत सारी चीजें आपकी स्किन में, अगर पोर्स इशू हैं, एक्नी इशू है, आपको झुइयाँ आ रही है, वो सब फैट से ही आती हैं। जब हमारा फैट आना शुरू हो जाता है तो हम वक्त से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये सब नहीं करना। अब इंजॉय कैसे करना है, आप तो ये तो प्लेट का मेजर ले लो, प्लेट के इस तरह जो आप एक प्लेट लो और उसके इस तरह 4 lines खींच लो, जो एक ये वाला पोर्शन होगा ना, आपने सिर्फ इतना गोश्त लेना है। चाहे आप मटन लो, बीफ लो, क्लेजी लो, कटाकट लो, वट एवर कुछ भी लेना चाहते हो आप लो, तो वो सिर्फ इतना लेना है आपने, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना है। अब उसको किससे आपने कवर करना है, किस तरह पेट भरना है आपका, इससे पेट नहीं भरता तो आपने वहां पर सैलेड ऐड कर देने हैं। इतना यानी अगर ये प्लेट है ना तो आपने इतनी सैलेड ऐड कर देनी है, ये आपका गोश्त या आपका क्लेजी या आपका खटाखट, वट एवर जो आप खाते हो, और ये आपकी चपाती हो गई है।
कोशिश करें चपाती या तो जौ लें या जौ के साथ नॉर्मल आटा मिक्स करके उसकी रोटी बना लें, वो ज्यादा अच्छा है। अब मैं क्यों कह रही हूँ ज्यादा अच्छा है, मैं आपको बता दूँ, अभी रिसेंटली ही मेरे अम्मी पापा की तबीयत खराब हुई है, तो उनको डॉक्टर ने यही कहा है कि आपने बीफ नहीं लेना है, अगर लेना है तो 3 बोटी, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो मतलब आप इस हथेली में अगर आप रखते तो 1, 2, 3 ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं। अब ये नहीं कि इसमें आपको इतना भर देना है, यानी आपका ये भी एक मेजर अच्छा है कि आप हथेली पे जितना आपका आता है ना, चाहे वो कलेजी हो, चाहे आपको वो कटा कट हो, चाहे आपको वो बीफ हो, कुछ भी हो, आपने इतना ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। वो आपको कभी भी हेल्थ मोटा नहीं करेगा, कभी भी आपको अनहेल्दी नहीं करेगा। ये पोषण कंट्रोल में आ गया आपका फूड, तो आपने एंजॉय भी कर लिया, आपने वो भी कर लिया। अब आपको पेट भरना है ना, आपका पेट नहीं भरा तो आप सैलेड ऐड कर दो, आप रायता ऐड कर दो, आप दही ऐड कर लो, मतलब उसकी ऑल्टरनेट पे, यानी अपने पेट को भरना है ना आपने, तो आपने वहां सारी चीजें बोलो, ऑटोमेटिकली पेट भर जाएगा। जो लोग उन्होंने डाइट नहीं करते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, और जो लोग मेरी तरह डाइट पर ही हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, वो स्टिल कर देंगे। अभी जैसे कि मेरा वेट जैसे 2 से 3 kg बढ़ा था, तो मैंने उसको वापस कम कर लिया, वापस अपनी जगह पर आ गई हूँ। तो ये कि अब आप 2 से 3 kg, 5, 6, 7 kg बढ़ा देंगे तो वो बढ़ेगा तो 1 महीने में ही। अभी आप 1 महीने में डाइट छोड़ दें, आप मतलब अनहेल्दी फूड खाना शुरू कर दें, आपका स्पीडी वेट बढ़ेगा, और जब आप उसको रिड्यूस करने जाएंगे ना, फिर आप डीमोटिवेट होंगे कि अब तो इतना सिलो डाउन हो रहा है, इतना सिलो, क्योंकि सिलो ही होगा। अभी मैंने एक प्लान किया आप लोगों के लिए कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं शेयर करूंगी, जैसे मेरा अभी डाइट प्लान है। ये भी किस बहुत सारे सवाल थे कि हमारे वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। तो जब कभी आपका वेट स्टक हो जाता है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, दोबारा बता देती हूँ, जब आपका वेट स्टक हो जाता है तो आपने अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है, ये कुछ और ऐसा चीज ऐड करना पड़ता है, वर्कआउट ऐड करना पड़ता है या वॉक ऐड करनी पड़ती है, ताकि आपका वेट वापस गिरे। अब जैसे मैं हूँ, मुझे मेरी बॉडी को आदत है इस डाइट की, तो अभी मैं यही डाइट कर रही हूँ। तो मैं जब अपना वजन कम किया, तो जो मेरा है ना कि इतना ही मेरा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा, तो बस वहीं आगे वो स्टॉप हो जाता है, उससे ज्यादा अब स्टक हो गया है मेरा वेट, अब वो नीचे नहीं आएगा। अब जब नीचे कैसे आएगा, जब मैं प्लान चेंज करूंगी अपना, कुछ और करूंगी, तो वो चेंज होगा। अब मैंने ये सोचा है आप लोगों के लिए कि 10 डेज मेरी जो डाइट है, जो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं 10 डेज का डाइट शेयर करूंगी उसमें भी लगा दिया करूंगी, रेसिपी में दे चुकी हूँ, रेसिपी नहीं दूंगी, ये बताऊंगी मैंने सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, ये खाया, उसके साथ में वॉक ऐड करना चाह रही हूँ, ताकि आपको ये बताऊं कि वॉक से या वर्कआउट से बड़ा फर्क पड़ता है, स्पीडी आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी लगती है, आप एक्टिव रहते हो। जिनके वेट ज्यादा है वो अनएक्टिव रहते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, उनको वो भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है, तो आपने ये नहीं करना। दूसरा, अपनी लाइफ में ग्रीन टी ऐड करें लाजमी, जब इतना हम ज्यादा रोगन वाली चीजें खाएंगे, निहारी खाएंगे, वो नली निहारी होती है, वो भेजा निहारी होती है, और पता नहीं कौन कौन से पाए होते हैं, क्या कुछ होता है, वो सब मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जो लोग खाते हैं वो प्लीज अपनी डाइट पे ग्रीन टी ऐड करें, ताकि ये जो इतनी हम चिकनाहट वाली चीजें खा रहे हैं, ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो कट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो मैंने जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी ग्रीन टी में, मैं यहाँ लगा दूंगी, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगी, आप ये ग्रीन टी ऐड कर लें। मैंने लिप्टन, मैंने टपाल, मैंने हर ग्रीन टी टेस्ट किए, लेकिन ये वाली ग्रीन टी वर्थ इट है, मतलब ये वाली ग्रीन टी आपको वाकई आपको आपका हाजमा सही करेगी। ग्रीन टी का मकसद क्या होता है, हमारा हाजमा को बेहतर करना। नॉर्मल लिप्टन वगैरह की जब मैं लेती थी तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, पता जैसे पानी पी रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है, आपका हाजमा दुरुस्त होता है, आपको गैस्ट्रिक इश्यू खत्म होती है, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है, आपको जो भारीनेस होता है वो भी कम करता है ये ग्रीन टी, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरा कोड यूज करोगे, इनके पेज पे जाइएगा, आप मेरा नाम लेके बोलोगे, तो शायद आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, वो आप पेज पे जाओगे तो उनको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक लगा दूंगी, ताकि आप क्लिक करो और वहां पहुंच जाओ। ये मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ, मैं हमेशा वो ही रिकमेंड करती हूँ जो कि मैं खुद यूज कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पी नहीं रही हूँ और मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप पियो, आपकी हेल्थ सही होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा वेट जब ज़रा सा केजी बढ़ता है, मैंने आपको पहले बताया, मैं फौरन अपनी डाइट चेंज करती हूँ और वापस अपनी जगह पे आती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने पूरी डाइट छोड़ी हुई थी मीठी पे,
तो मेरा वेट बढ़ा था, उसमें तो किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन अब जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ मुझे खुद मुझे महसूस हो गया था मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो अब जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो वाकई मेरा वेट रिड्यूस किया, जबकि 2 से 3 kg बढ़ा था वो ही कम किया, इससे ज्यादा कम नहीं किया, 2 से 3 kg। अब आप खुद देख लें कि 2 kg सुनने को सिर्फ 2-3 kg है, लेकिन वो आपको वाकई चेंज देता है। कम होने पर भी आपको बताता है कि कम हो गया, और ज्यादा होने पर भी आपको महसूस कराता है कि आपका वेट पुट ऑन हो रहा होता है, आपकी ये बाजू भारी होने शुरू होते हैं, आपका फेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि 2 से 3 kg पे 4 पे नहीं जाना, 5 पे जाना, फौरन कंट्रोल करें ताकि आप हेल्दी रहें। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप खुद भी एक्टिव रहोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक ये भी सवाल बहुत था कि इंचिस समटाइम हमारे वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता, हमारा इंचिस कम हो जाता है। तो आप दोनों चीजें चेक किया करो, वेट भी और इंचिस भी, कि दोनों में से कोई एक चीज जरूर कम होगी आपको डाइट से। मैं मानती ही नहीं कि जो लोग डाइट कर रहे हो, हाँ उनकी अगर डाइट अब वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 10 दिन में उनको फर्क नजर आएगा, इंचेस कम हो जाएंगे या वेट कम होगा, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर, मैं ऐसा कह ही नहीं सकती कि नहीं होगा। या तो मेरे इंचेस कम हो जाते हैं या मेरा वेट कम होता है, तो ये डेफिनेटली होता जरूर है। तो ये आप मत कहा, मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि हमारा तो वेट रिड्यूस नहीं हुआ, हो सकता इंचेस कम हुए हो, आपको नहीं पता आपके इंचेस कम हुए हो, कहीं ना कहीं तो कुछ कम होगा ना जब आप इतनी डाइट कर रहे हो। अच्छा ये जो डाइट अब समझा हमें आदत हो जाती है, यही डाइट, अब मेरी बॉडी को आदत है जो मैं डाइट कर रही हूँ। अब मजीद मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कम नहीं होगा, कम करने के लिए मुझे या तो डाइट चेंज करनी पड़ेगी पूरा प्लान, या तो मुझे इसमें वर्कआउट ऐसा कुछ ऐड करना पड़ेगा जो मेरी कैलोरीज को बर्न करे, अगर मजीद मैं इससे अपने कम करने की कोशिश करती हूँ तो। वैसे मेरी हाइट के हिसाब से मेरा जो वेट है वो आइडियल वेट पे आता है, तो मुझे मजीद जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे जैसे आप लोगों के लिए बताने के लिए कि वॉक कितनी इंपॉर्टेंट होती है डाइट के साथ और कितना जल्दी आपका फास्ट रिड्यूस होता है, तो सोच रही कि मैं इस पर काम करूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, 10 डेज की डाइट के साथ 10 डेज की वॉक। आई होप आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अपने आप से प्यार करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। अल्लाह हाफिज़।